देखिए, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैं पढ़ा दिया था, कहाँ तक मुझे यहाँ तक याद है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा दिया था ना। बोलिए, पढ़ा दिए थे? ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो पढ़ना है उसका नाम है फिनाइल कीटो न्यूरिया। फिनाइल कीटो न्यूरिया, अरे बाप रे, फिनाइल कीटो न्यूरिया कहते हैं उसको। पता नहीं कितना तुम्हें इंकवा भर दे रहा है भाई। फिनाइल कीटो न्यूरिया, फिनाइल कीटो न्यूरिया में क्या होता है दा? देखो, कुछ नहीं करना है आपको। यह एक डिजीज है। फिनाइल कॉटन कीटोनूरिया क्या है? एक डिजीज है। कौन लिंक्ड डिजीज है हमें नहीं पता। सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है? हाँ, देखिए ये क्या है, ऑटो सोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ए सुनो जी, फिर तो लोग चालू, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम बनना, वही उस दिन बताए थे हम आपको, हम आपको बताएंगे, अपने आप खुद ही बताएंगे। एंजाइम कौन डिस्टर्ब होता है? एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम फॉर्मेशन क्या हो जाता है? डिफेक्टेड हो जाता है। कौन एंजाइम? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज जो क्या करता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज था, क्या कर रहा था वो बताया था उस दिन अभी आप, हम आपको फिनाइल एलनिन को ये डिफेक्टेड हो जाता है। तो क्या होता है, फिनाइल एलनिन कुड नॉट कन्वर्टेड इंटू टायरोसिन। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जो प्रिकर्सर है किसका, दो का बता चुका हूं मैं, यही प्रिकर्सर है किसका, T3 T4 का, और इसके अलावा ये किसका, एडिनलिन और नॉरएडिनलिन का भी है। एडिनलिन का क्या है, प्रिकर्सर है, ये बनाने वाला आपकी बॉडी में प्रिकर्सर है, बनाने वाला। फिनाइल एलनिन कुड नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, तो क्या होगा, फिनाइल एलनिन फिनाइल एलनिन एक्युमुलेटेड इन द बॉडी एंड कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेनिल पायरविक एसिड, किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
फिनिल पायरविक एसिड, फिनिल पायरविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिनिल पायरविक एसिड। और प्रॉब्लम क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन, लॉस ऑफ बॉडी, और सारे प्रॉब्लम हैं, लॉस ऑफ हेयर, BMR डिक्रीज हो जाएगा, ढेर सारे। लेकिन आपकी बुक में खाली इतना लिखा था, हम ज़्यादा वहीं लिखवा देंगे, ज़्यादा लिखवाने मतलब बेवकूफ़ बनाना है। मैंने कहा ऑटोसोमल रेसिड्यू डिसऑर्डर है, एंजाइम फार्मेशन एडनिल फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज डिफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिनाइल एलनिन नहीं कन्वर्ट हो पाएगा अमीनो एसिड टायरोसिन में, नहीं कन्वर्ट होगा ना, तो टायरोसिन नहीं बनेगा, तो T3, T4 और भी ऑब्जेक्शंस हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, फिनाइल एलनिन एक्युमुलेट्स इन द बॉडी और कन्वर्ट ज़्यादा किस में, फिनिल पायरविक एसिड में, यह हानिकारक है बापू सेहत के लिए, तो हानिकारक है, मेंटली रिटार्डेड कर देगा, दिमकवा पागल बना देगा, इसे सटक जाएंगे और सटक के पटक जाएंगे, ये मेंटल रिटार्डेशन करेगा, लॉस ऑफ हेड हेयर, बोलो यार। तो इसमें क्या होता है, हाँ हाइड्रोक्सिलेज करता क्या है, फिनाइल एलनिन को मैं एक बार लिखवा चुका हूँ, कन्वर्ट करता है किसमें, टायरोसिन अमीनो एसिड में, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड कि ये भी क्या है, अमीनो एसिड है, कौन कन्वर्ट करता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिनिल हाइड्रोक्सी लेज, ये देखिए। लेकिन अगर क्या हो गया, इसी का बनना क्या हो जाए, डिफेक्टेड हो जाए, तो यह कन्वर्ट हो पाएगा क्या इसमें, नहीं, जब यह नहीं कन्वर्ट होगा तो फिनाइल एलनिन कहाँ एक्युमुलेट होने लगेगा बॉडी में, और वह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनिल पायरविक एसिड में, और जब फिनिल पायरविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा तो बना के पागल छोड़ देगा आपको, पागल बना देगा, मेंटल रिटार्डेशन। कोई प्रॉब्लम होता आप बताएं, हाँ वही बता रहे हैं, हाँ ठीक है, जब पूरा ब्लॉक होता तब ना, पूरा ब्लॉक हो जाएगा मतलब पानी ले रहा है वहां, वो कैसे बनेगा हार्मोन, टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन वाला हार्मोन काम करेगा, नहीं तो आप टायरोसिन बाहर से भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत काम करेगा ही। रोगी आप पहले कौन है, A3G3 सिप्रोसेरिन टायरोसिन, ये नॉन एसेंशियल है, टायरोसिन नॉन एसेंशियल बॉडी में ही बनता है, प्रॉब्लम होगी भयंकर, भयंकर प्रॉब्लम होगी, A3G3 सिप्रोसेरिन टायरोसिन, टायरोसिन नॉन एसेंशियल है, अमीनो एसिड आपकी बॉडी में ही बनता है, ये बाहर से ही कन्वर्जन होगा इसका, समझ में आ गई बात, डेथ भी हो जाती है, हल्के मत लिए के, ये है वजनदार, वजनदार क्वेश्चन भी है ये,
खाली इतना याद करिएगा फिनाइल एलिनिन को कन्वर्ट करने में फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज काम करता है टायरोसिन, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट होगा तो प्रॉब्लम आएगी आपको, थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम हो सकती है, एडनलिन नाइडनलिन प्रॉब्लम हो सकती है, और ये जब ब्रेनवा में एक्युमुलेट होगा तो पागल बना देगा, पगलिया देगा, बोलो ना, इरेज करें, देख लीजिए आप, पढ़िए, जितनी बार दोहराएंगे उतना बार आनंद आएगा आपको, डेवलप इंटरेस्ट डेवलप करिए, जोश। आगे आपको जो पढ़ना है मैंने आपको बताया था उस दिन A3G3 सिप्रोसरीन टायरोसिन, ये सुनो A3G3 सिप्रोसरीन टायरोसिन, यह ऐसे हार्मोन दस ऐसे अमीनो एसिड हैं जो आपकी बॉडी में ही बनते, नॉन एसेंशियल हैं, और BIP हाल में TT मैंने बताया था, तो वो क्या है, वो कौन है, एसेंशियल है, तो नॉन एसेंशियल इसका आपकी बॉडी में बनेगा, तो आपकी बॉडी बनने वाला ये भी नॉन एसेंशियल है टायरोसिन भी, इसीलिए उसका इसमें कन्वर्जन हो रहा है, जब नहीं कन्वर्ट होगा जायज बात प्रॉब्लम तो आएगी ही, भयंकर प्रॉब्लम आ सकती है। आगे देखिए, इधर देखिए साहब लोग, देखिए थैलासीमिया, थैलासीमिया देखो, थैलासीमिया क्या है सुनो, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। कैसा है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, कैसा होता है इसमें, ड्यू टू डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन, ड्यू टू डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन आइदर ए चेन डिफेक्टेड होगा, आइदर ए चेन ऑफ HB ORR, B chain of HB defected हो जाएगा, क्या हो जाएगा, defected हो जाएगा, इधर देखो A chain के डिफेक्ट के लिए दो होता है, HbA1, HbA1, इधर देखिए अम्मा, इधर देखो जैसे बता रहे, इसे रट मारो, कपिया में इसे लिख लिया करो, दिमाग में खर्च क्लिक करेगा वहीं जाके, ये A chain के डिफेक्ट के लिए दो जीन है, जब तक तीन लाइन चार लाइन पढ़ोगे तब तक कदम खर्च याद हो जाइए। ए चेन के डिफेक्ट के लिए अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, डिफेक्टेड ए चेन के लिए तो क्या होना चाहिए, ये दोनों डिफेक्टेड होना चाहिए, ये है क्या जीन है, ये क्या है जीन है, डिफेक्टेड ए चेन के लिए HbA1 HbA2 है, बोलिए ना, जब ये गड़ किसके कारण ऐसा होगा, आइदर यू याद कर रहे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइदर म्यूटेशन के कारण होगा या
डिलीशन के कारण होगा। डिलीशन कारण दो कारण से हो सकता है, ये पहला और दूसरा कारण, याद रखियो। दो कारण से प्रॉब्लम आ सकती है, फिर समझ लीजिए। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये जिन कहाँ प्रेजेंट होंगे, याद रखिए, ऑटोसोम पे प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा, एको भूलिएगा ना। कुल मिला के एक लाइन की बात, 16वें ऑटोसोम पे देवियों, महादेवियों, नागपोच कंपनी के मैनेजर, इधर देखो क्या मैंने बताया, ये HBA2 HBA1 ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौथे ऑटोसोम पे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कहाँ प्रेजेंट होते हैं। 16 ऑटोसोम पे प्रेजेंट होगा, किस पे, किस पे प्रेजेंट होगा जी, पीछे देखो, उनको शंकर भोग सवारी आ गई है, हैं कि दुर्गा माई के। यह देखो 16वें ऑटोसोम पे जो जीन होता है, ध्यान दीजिए, हम इधर देखो 16वें ऑटोसोम पे HBA1 HBA2 ये दो जीन हैं, और ये दोनों जीन अगर डिफेक्टेड हो गई, इक्के हो गया तब वो प्रॉब्लम है, दोनों हो गई तब वो प्रॉब्लम, दो जीन इसको कंट्रोल करता है ए चेन बनाने के लिए। इसमें से कोई जीन गड़बड़ होगा तो ये चेन का फार्मेशन ही गड़बड़ा जाएगा, ए चेन का फार्मेशन गड़बड़ाएगा तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जब गड़बड़ हो गया, इधर देखिए, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो क्या होगा, थैलासीमिया हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, एनीमिया प्रॉब्लम तो है। तो ये पहला हो गया ए चेन, ये पहला है। दूसरा है बी चेन, हम तो समझ नहीं पा रहे, हमारा ऊन खराब हो गया। बी चेन दूसरा, बी टच बी चेन, ये ए चेन है हीमोग्लोबिन का। ए चेन जो होता है वह किसके द्वारा गवर्न्ड होता है, एच बी बी के कारण, एच बी हीमोग्लोबिन और बी जीन के कारण होता है, लिखा है, हमें नहीं पता किस क्रोमोसोम पे होगा, 11th, किस पे होगा, 11th ऑटोसोम पे। हमको आता होता नहीं, हमको पूछ लेते भाई, आप लोग तेज तर्रार लड़के हैं आप, 11th ऑटो सोम पे पाया जाएगा। इसमें भी क्या हो सकता है, डिलीशन हो सकता है या म्यूटेशन, हाँ सर, डिलीशन होगा या, हाँ एक टाइप है, टाइप है, म्यूटेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल नंबर सब में चेंज कारण हो सकता है, ये इसका स्पेसिफिक टर्म है डिलीशन। म्यूटेशन ब्रॉड टर्म है, मतलब म्यूटेशन में डिलीशन होगा, मतलब होगा तो म्यूटेशन ही, लेकिन डिलीशन वाले से होगा, तो आपको ये जानना जरूरी है। हमारे पास नहीं, डिलीशन आप बुक में देखिए लिखा होगा वहाँ पे, हाँ स्लैस लगाया है ना, हाँ तो स्लैस लगा दे, तुम्हें कहाँ परेशानी है, हाँ यहाँ पे तो म्यूटेशन डिलीशन दोनों लिखे हैं, यह देखो अमा ही, यह देखो डिलीशन, लो एक दो दोनों लिख लो, बात खत्म हो गई, डिलीशन म्यूटेशन खत्म।
आज इसको क्या बीमारी हो गई है यार, नजरिया गया का आई आज, ये नजरिया गया बेचारे मर कर रहे, यही मतलब कह पूजा पाठ करके आज कुछ प्रसाद साथ लेके आया करो, उन्हें प्रसाद साथ लेके नहीं है कोई, चली है खाली हो गया बना जी। हाँ पहले एक ऐसा होता है, पहले क्या होगा, फर्स्ट ये होता है क्वालिटेटिव, बुक में देखो दिया होगा क्वालिटेटिव होता है, लेटर ऑन क्वांटिटेटिव, पहले एक क्वालिटेटिव होता है, अच्छा एक बस बस एक मिनट, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव फिर क्या हो जाता है, क्वालिटेटिव हो जाता है, कुल बात छोड़ दो, अच्छा रुक जाओ, कंफ्यूजन खत्म कर दो, ये क्वांटिटेटिव होता है, बात खत्म हो गई, ज्यादा नौके लिखो नौके लिखो, क्वांटिटेटिव होता है, इतना देर तक लिखने का मतलब कुछ नहीं निकला। देखिए इधर, ये जो थैलासीमिया होता है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, आइदर ए चेन या आइदर ए चेन होगा या तो बी चेन, या ए चेन होगा या बी चेन, आप एच बी डिफेक्टेड होगा, ए चेन में कई, इधर देखिए ए चेन के लिए कई जीन होते हैं, दो जीन, नाम बोलो ए चेन के लिए कई जीन है, नाम बोलिए क्या क्या है, एच बी ए वन एच बी ए टू यहाँ लिखा हुआ है, एच बी ए वन एच बी ए टू, अगर ये डिफेक्टेड हो जाते हैं, अगर ये डिफेक्टेड हो जाते हैं, चाहे म्यूटेशन के द्वारा हो या डिलीशन, बोलिए ना, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, मतलब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं होगा, या क्रम, ये दोनों जीन कहाँ पाए जाते हैं, ये दोनों जीन पाए जाते हैं 16 क्रोमोजोम पे, 16वें क्रोमोजोम पे, 16वें क्रोमोजोम का मतलब 16th ऑटोसोम पे कह लीजिए, बात हो गई खत्म। दूसरी बात, बी चेन जो होता है, इधर देखिए बी चेन किसके द्वारा कंट्रोल होता है, बी चेन कंट्रोल होता है हीमोग्लोबिन बी जीन के कारण, बुक में नहीं मिलेगा इन लोगों को, बुक में नहीं मिल रहा है, हाँ नहीं, बहुत गहन मुद्रा में है आप लोग, सोचे मुद्रा में क्या प्रॉब्लम हो गई, देखिए हीमोग्लोबिन बी को अर्थात बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन, तो एच बी बी होता है, ए के लिए ए बी के लिए बी, बस अर्थ एक इसमें दो है, इसमें यहाँ पे एक एच बी दिखा हुआ, इसमें भी डिलीशन म्यूटेशन हो सकता है, ई कौन क्रोमोसोम पाया था 11th पे, 16वें पर कौन होगा ए, 11वें पे कौन होगा बी, बोलिए चलते हैं आगे, इरेज करें, समझ में आया, हाँ घूंगा पिक्चर बना रही हो, तुम लोग यहाँ आई हो, सूत्रवाप बन बन बैठी हो, महा माता माई बहनी की बैठी है, आया समझ में, हाँ तो बोलते कहाँ नहीं हो, पैसा लगता कहाँ बोलने में, तो
तुम लोग आया जी समझ में? क्या आया, क्या आया समझ में? हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड क्यों हुआ? जीन के डिफेक्टेड होने के कारण। और दोनों जी मतलब इधर देखिए, इधर देखिए, इसमें जो ए चेन भी होता है, बी चेन दोनों होता है, अल्फा चेन और बीटा चेन, दोनों में गड़बड़ी हो सकती है। अल्फा चेन में गड़बड़ी होगा तो ए चेन गड़बड़ होगा, बीटा चेन में गड़बड़ी। इधर देखिए, अल्फा चेन के कंट्रोल करने वाले कौन जीन है? दो ठो, एच बी ए वन, एच बी ए टू, दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे? 16 क्रोमोसोम पे। क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जो है एनीमिक लक्षण आ जाएंगे। दूसरा कौन है? बी चेन डिफेक्टेड कब होगा? जब इसका एच बी बी जीन डिफेक्टेड होगा, डिलीशन म्यूटेशन हो सकता है। किस पे? क्रोमोसोम पे, से ग्रामे पे। याद करना पड़ेगा, इतना कम से कम याद करना पड़ेगा, ये क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। बोलिए ना, हीमोग्लोबिन गड़बड़ होगा, हीमोग्लोबिन गड़बड़ होता सिकल सेल एनीमिया में भी होता है। तो आप कहेंगे उसमें इसमें का अंतर है, तो आप जानते हैं ये क्वांटिटेटिव, एक का याद करे हो, दूसरे का ना याद करे हो। इरेज करें, इसके लिए भी हेटरो जाएगा सी होना चाहिए। दत्ता एक, अगर एकाक को भी होना है तो हेटरो जाएगा उसको होना चाहिए, बिना हेटरो जाएगा सुए डिजीज नहीं होगा ये दोनों पेरेंट्स को। इसके बाद इधर देखो, इसके बाद क्या है? क्रोमोसोमल अबरेशन है। इसके बाद जो है क्रोमोसोमल अबरेशन है। क्रोमोसोमल अबरेशन इसका मतलब चेंजेस इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में चेंजिंग आ जाएगा। क्रोमोसोम नंबर में चेंजिंग जो है आती है, क्रोमोसोम नंबर चेंजिंग में आती है, दो बातें हैं, या तो यूप्लॉइडी होगा या होगा एन्यूप्लॉइडी। ये खाली इतना याद करेंगे तब वो कुल याद हो जाएगा। यूप्लॉइडी में क्या होता है? क्रोमोसोमल सेट चेंज होता है, जैसे हेप्लॉइड डिप्लॉइड पॉलीप्लॉइड। हेप्लॉइड में एक एनिमल आपके आता है, कोई पूछे हेप्लॉइड एनिमल का नाम बताइए, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कौन? ड्रोन या वर्कर भी आपके एग्जांपल में था, सॉरी ड्रोन, सॉरी ड्रोन या इसका जो है मेल। डिप्लॉयड में आल एनिमल्स आते हैं, आल एनिमल्स आते हैं। पॉलीप्लॉयड प्लांट में पाया जाता है, पॉलीप्लॉयड कहाँ पाया जाता है? प्लांट में। एन होगा ये, टू एन होगा, थ्री एन, फोर एन, फाइव एन, चलता रहेगा ये प्लांट में। वीट क्या है? वीट
हेक्साप्लॉयड, मैं आपको बताया हूँ एक बार, हेक्सा प्लॉयड, हेप्लॉयड इसका कितना है, एन बराबर 7, दे देखो एन बराबर 7 है तो कई बार है, 6 बार है, तो गुड़े 6 कर देंगे तो 42 कितना जाएगा, 42, ये हेक्साप्लॉयड है, ये लिखे हुए ऊपर हम, यही क्या है, हेक्साप्लॉयड। तो प्लॉयड आप इधर देखिए, पॉलीप्लॉयड एनिमल में उत्पन्न नहीं होता, प्लांट में उत्पन्न हो सकता है। एन्यूप्लॉयडी में 2 आता है, उसको याद पढ़ ली, याद कर लीजिए, जो चौटा बना रहे भगवान एकदम याद हो जाए, हाइपरप्लॉयडी, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा भैया, नंबर चेंज होगा इसमें, हाइपरप्लॉयडी हाइपोप्लॉयडी, हाइपरप्लॉयडी में नंबर इंक्रीज करता है, नंबर इंक्रीजेज, हाइपोप्लॉयडी में नंबर, बोलो ना यार, डिक्रीजेज, एक नंबर डिक्रीज होता है, इसमें 2 होता है, मोनोसोमी, मोनोसोमी और नलिसोमी, नली खाने वाले याद कर लें इसको, नलिसोमी, जो बकरी की नली खाते हो देख लें इसको, मोनोसोमी नलिसोमी, हाँ हाँ नली खाई बहुत सही रही है, नली नली खाओगे तो नली याद रहेगी, नहीं होता नहीं है, ये तो याद करने की बात बता रहे हैं, बकरा खाओ मौज मनाओ याद करते रहो, शाकाहारी भी अच्छे होते हैं, भले घास फूस खाते हैं लेकिन ठीक ठाक रहते हैं वो, दूध पीना अच्छी बात है, शाकाहारी रहना चाहिए, क्योंकि आपके एलिमेंट्री के नाथ शाकाहारी लाइफ के लिए ही आ रही है, सुनो इधर देखो, मोनोसोमी 2n-1, हमारा लेके 2n-1, ये नल मोनोसोमी है, ये 2n-2 अर्थात मोनोसोमी में क्या करेंगे, 47 क्रोमोसोम अगर है आपके पास, उसमें से क्या हो जाएगा, एक घट गया, सॉरी 46 क्रोमोसोम अगर आपके पास है, एक घट गया तो कितना बचेगा, 45 क्रोमोसोम, अर्थात बाप बन गए, टर्नर सिंड्रोम हो गए, टर्नर्स सिंड्रोम, T45 याद कर लीजिएगा, इधर बार बार याद होगा T45, बाकी कुल को छोड़ दो, T45 इसके अलावा कुल कौन है, 47 वाले, नली सोमी वाला सर्वाइव नहीं करता है जल्दी, अगर क्रोमोसोम 2 घट जाए तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा जल्दी, तो 2 घटने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 46 माने 2 करेंगे तो बचाएगा 44, नो सर्वाइवल, ये तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे बेचारे, अगर करेंगे भी डिफेक्ट रहेंगे शुरुआती दौर में, नो सर्वाइवल, फीटस ही नहीं सर्वाइव करेगा, टर्नर सिंड्रोम महिला होंगी लेकिन आधी महिला होंगी, आधी महिला मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो चलेगा नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, फीबिल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, फीबिल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, जेनिटल ऑर्गन भी फीबिल डेवलपमेंट तो कहता है ब्रेस्ट का इलाज साइज जो छोटा रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलेगा, स्टराइल होंगे बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते, समझ रहे हैं ना, ये है टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स, टर्नर सिंड्रोम। अब बात आती किसकी, दूसरे की,
अब किसकी बात आती है? दूसरे की। ये भी दो प्रकार का, इधर देखो, ये भी दो प्रकार का होता है। अब याद करने की बात, कितना आप याद कर सकते हो? ये अगर चार्ट आपको याद है तो आपका कुल काम बन जाएगा। 46 में से दो माइनस कर देंगे 44। एग्जाम्पल सर्वाइवल नहीं है, नो सर्वाइवल, नो सर्वाइवल, सर्वाइव नहीं करते हैं। ज्यादा पर जितना याद उतना करो, एक छोड़ दो, तर बुक में ना ऐसे जाए दो, एक चक्कर पढ़ो भी ना। जब सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा चक्कर में काहे पड़े हो के। इधर देखिए, एक होता है इसमें, इसमें देखिए जरा नंबर, इसमें क्या हो रहा है? अरे सॉरी, ये मैं हाइपोप्लाइडी बता दिया। हाँ हाइप, बस ठीक, कोई टेंशन नहीं है। नंबर यहाँ, ये हाइपोप्लाइडिक मैंने बता दिया, हाइपोप्लाइड नंबर डिक्रीज कर गया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? हाइपरप्लॉयडी करेंगे, हाइपरप्लॉयडी चेंज करना पड़ेगा नाम। नंबर कम हो गया तो हाइपोप्लॉयडी हो गया, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, नंबर ज्यादा अगर हो गया तो हाइपरप्लॉयडी कहते हैं। जैसे ट्राइसोमी, दूसरा है टेट्रासोमी, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। ट्राइसोमी मतलब 2n+1, इसमें है 2n+2, अर्थात ये 46+1 कर देंगे बराबर हो जाएगा 47, चाहे ऑटोसोमल हो चाहे सेक्स क्रोमोसोमल हो। यहाँ पर 2n अर्थात यहाँ पे आप कर देंगे 46+2 बराबर हो जाएगा 48। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं लेकिन आपके बुक में दो ही दिए, मैं अभी बताऊंगा। हम तो इतना जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम है, यह देखो बहुत सारे सिंपल है। बुक का ही कौन बताएंगे? मैं सिंपल नहीं, आप बताएंगे ही नहीं, हमको दर्द सीने में छुपा कर रखे रहेंगे इसको। जब एग्जाम पास हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तब तो बताएंगे। देखो ये है, यहाँ पर कौन कौन हो गया? 47 वाला एग्जाम्पल नंबर एक, डाउन सिंड्रोम, हम नीचे लिख दे रहे क्योंकि उधर भी लिखना पड़ेगा, डाउन सिंड्रोम, क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम हुआ। और एग्जांपल कौन है? एग्जांपल और भी लिख लो, एक आठ नहीं चाहते, क्या फायदा? एडवर्ड सिंड्रोम दे दे जाते। 47 क्रोमोसोम वाले हैं ये सब, ये +7+1 है ये। यहां पर एग्जांपल कौन होगा? ये होंगी, इसको बोलते एग्जांपल, इसका कौन होगा? सुपर सुपर फीमेल, सुपर मेल भी हो सकते हैं, सुपर मेल भी हो सकते हैं। सुपर की स्पेलिंग डबल पी होता है कि एक पी होता है? हमने भुला गए बात को यार। उठे तो देखो, ऐसे याद करबो तो कहानी बन जाएगी। यही आपको याद करना, कुछ करना है नहीं। क्रोमोसोमल ऑपरेशन देखेंगे, क्रोमोसोम में त्रुटियां, गलतियां,
गड़बड़ियाँ क्रोमोजोम में जो हो रहा है, समझ में आ रहा है? बोलो जी, ऐसा रिएक्शन कर रही, ऐसे आए हैं यहाँ, सुनो, क्रोमोसोमल सेट चेंज होगा यहाँ पे, क्या चेंज होगा? क्रोमोसोमल सेट, हेप्लॉयड, डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड। हेप्लॉयड में आपका एक एग्जांपल इसे एक कर दिया, नहीं मैं 8 एग्जांपल यहाँ देता, दो चार तो खड़े इसे बता दे मुझमाएँ, लेकिन हम आपको देंगे नहीं, लिखते नहीं, लोग सोचेंगे भाई लिदा देखे। लेसर्टा सेक्सिकोला हेप्लॉयड, टिप्लिना ब्राह्मिना हेप्लॉयड, रॉक रॉक लिजार्ड, समझ रहे हैं ना, सब क्या है? हेप्लॉयड है, क्योंकि पार्थेनोजेनेटिकली जो डिसऑर्डर होंगे वो हेप्लॉयड ही होंगे एनिमल केस में। प्लांट में पार्थेनोजेनेसिस डिसऑर्डर किया जाता है, डिप्लॉयड तो ऑल एनिमल्स हैं, और अपवाद हैं कुछ यही वाले सब। पॉलीप्लॉयड प्लांट में डिसऑर्डर होता है, पॉलीप्लॉयड इसमें प्लांट में, उसी वजह से पैदावार बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए जैसे भी चाहे वैसा करें, इसमें भी कई होता है। ऑटो पॉलीप्लॉयड ही, ऑटो पॉलीप्लॉयड होता है, एलो पॉलीप्लॉयड होता है, ऑटो एलो पॉलीप्लॉयड होता है, लेकिन मैं जान रहा हूँ बुक में है नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे। सुनो, ये बात खत्म हो गई यहाँ की। यहाँ पर देखिए, एन्यूप्लॉयडी, क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, क्या चेंज होता है जी? हाँ, क्रोमोसोम नंबर, हाँ क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। घट के होता तो हाइपोप्लॉयडी, इसमें भी दो है, पहला हाइपोप्लॉयडी कम हो जा रहा है, दूसरा कौन है, हाइपरप्लॉयडी। बोलिए ना यार, हाइपोप्लॉयडी और हाइपरप्लॉयडी, पहले मैं इसको हाइपर लिखा था, इसको हाइपो, क्योंकि हम यहाँ देख ख्याल नहीं कि तो इसको लिख दिया था, फिर इसको चेंज कर दिए। हाइपोप्लॉयडी, हाइपो मतलब, या देखो हाइपो का मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा, ये हाइपरप्लॉयडी हो रहा है। नंबर डिक्रीजेस, नंबर इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीजेस, यहाँ पे नंबर हाइपोप्लॉयडी है ना, यहाँ पे नंबर इंक्रीजेस करना पड़ेगा, नंबर इंक्रीज कर रहा है। बोलिए हाँ, इधर देखो, नंबर इंक्रीज हो गया, समझ आया? इधर देखो, अब क्रोमोसोम नंबर अगर एक चेंज हो रहा है, इसको मोनोसोमी कहेंगे, क्या कहेंगे? मोनोसोमी। एग्जांपल 2N-1 कर देंगे तो यहाँ पे 46:45 आ जाएगा, 45 की कौन होती है, टर्नर सिंड्रोम, इसको बोलो 245, क्या बोलेंगे, 245, रट मारो 245 का कुल छोड़ दे धन के, इतने में सही बह करेगा, दिमकवा लगाया करो थोड़ा थोड़ा, यहीं भिजवा में भेजा भर लो, जो भेजते हैं उसको भर लिया करो, भेजे में भेजा, मैंने भेजे में भेजा को भर लो, मैंने कहा कहा T45 45, ये आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि आप बुक में नाम नहीं दिया इसका, बोलो इसका नाम नहीं दिया है। और सुनो, नली सोमी, तो नली को ऊपर का मड़ा ही डाल दो, जा दो, इधर देखो, यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर ट्राइसोमी दिया, टेट्रासोमी नहीं दिया है, यहू को ऊपर का मड़ा ही डाल दो, बोलो ना, तो जो आपके काम का उसको याद कर लो। ट्राइसोमी में कौन कौन है, दो ही एग्जाम्पल आग बुक में दिया हुआ है, एक है इधर देखिए, 46-1 कर देंगे तो 47 होगा, सॉरी 46+1 कर देंगे 47 होगा कि नहीं होगा, हाँ दूसरा एग्जांपल दिया, हम पूछो, हम बता रहे हैं। डाउन सिंड्रोम को मंगोलवाड़ इडियासी भी कहते हैं, मंगोलवाड़ इडियासी, मंगोलियन इडियट, पागल होगा, जिभिया दरदरी होगी, सलाइवेशन करेगा, समझ रहे हैं ना, हाँ लिखा होगा कुल एग्जांपल में, समझ रहे हैं ना। बहरहाल ट्राइसोमी 46+1 47, हम इधर देखो 46+1 = 47, अगर ऑटोसोम में गड़बड़ी हो रही है, ऑटोसोम में बढ़ रहा है, कौन ऑटोसोम बढ़ेगा, 21वां पेयर हो जाएगा,
21वां एक ठो बढ़ जाएगा तो 47 हो गया, अभी दिखाएं कैसे होगा। और ये कौन है? क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, ये 2x और एक वाई क्रोमोजोम वाला होगा, सेक्स क्रोमोजोम गड़बड़ी इसमें। और डाउन में कौन? डाउन में कौन? ऑटोसोम। डाउन में ऑटोसोम बढ़ा, क्लाइनेफिल्टर में सेक्स क्रोमोसोम बढ़ा, समझे हो? अब उनको आप पिछवा का देख रहे हैं, उनको क्यों देख रहे हैं? उनके बगल में है क्या कोई ऐसा? हमारे बगल में चलो दिखा दे हम, भले हो गया, समझ आया? बोलिए भाई, आप लोगों को ढूंढ ले बो, इधर को ढूंढ ले बो, हम बता दें तो एम एस ढूंढ ले बो एक को के, हम तो ढूंढ लेंगे तुरंत। तो ये हो गया आपका, अब हम लोग एक एक को लेके चलते हैं। देखिए इधर, हाँ सुनिए भाई, ये बात नहीं है, बात हमारी है। यहाँ पे देखिए, तो पहले नंबर एक पे आता है कौन? टर्नर्स सिंड्रोम पहला, अर्थात 45। इसका मतलब क्या हुआ? 44 क्या होगा? ऑटोसोम होगा। और एक ठो क्या होगा? 44 ऑटोसोम होगा, ऑटोसोम। और एक क्या होगा? यक्स क्रोमोसोम। T45 याद रखियो इसको, टर्नर सिंड्रोम। तो क्या हुआ? स्टराइल फीमेल हो जाएंगी, नो MC, कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, लेस डेवलप्ड ब्रेस्ट, लेस डेवलप्ड ब्रेस्ट, शॉर्ट स्टेट्स, शॉर्ट बॉडी, बॉडी साइज क्या होगी? छोटी होगी, समझ रहे हैं ना? स्टराइल फीमेल होंगी, नो MC, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, लेस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं कार्य होगा, शॉर्ट बॉडी, बॉडी साइज थोड़ा छोटी होगी, समझ रहे हैं ना? और कोई सिम्टम होता बता दीजिएगा, हम बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देखिए, क्या करें, एड चला जाइए, हैं तोरे ससुराली चला जाइए, वो एक तो ससुराली चला जाइए। सुना, जब क्रोमोसोमल, अम्मा इधर देखो, जब चेंज होता है क्रोमोसोम, वहाँ डिवीजन, मियासी डिवीजन होता है, बोलो हाँ, मियासी डिवीजन होता है, मियासी डिवीजन होता है, तो उस समय क्रोमोसोम अलग होते हैं ना, क्रोमोसोम अलग होते हैं ना। अगर इधर देखिए, मान लो इधर देखो, 23 इधर आ रहा है, 23 इधर आ रहा है, तो ये दो सेल बन रहे हैं, दो सेल बन रहे हैं, एक स्पर्म ये बन गया, एक स्पर्म ये बन गया, मान लो यार, हाँ हो गया ना। तो यहाँ पर ये तो नॉर्मल है, अगर बाई दे इसमें का 23 एक उड़ के यहाँ चला गया, उड़ के नहीं, अलग नहीं हुआ ये, तो यहाँ पे कहाँ चला गया? 24 हो, तो कन्फर्म इसमें कैट हो आ जाएगा 22, नॉन डिसजंक्शन, अलग नहीं हुआ, डिसजंक्शन नहीं हुआ,
जब डिसजंक्शन नहीं हो क्रोमोसोम इधर चला आया, ये 44 वाला हो गया, कौन वाला हो गया 43, ये 42 वाला हो गया 22 वाला। अब 22 और 23 जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 वाला हो जाएगा ना। बराबर जाता है, लेकिन मान लीजिए इधर देखो, ये सुनो, मान लो सपोज कर लो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बन पाया इसमें स्पिंडल फाइबर, ये इधर चला आया, या इधर का स्पिंडल फाइबर तगड़ा पड़ा इधर घींच लिया इसको, तो इधर 23 आ गया, इधर 22 हो जाएगा ना, तो क्रोमोसोम इसमें कम हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पूरा पूरा एक छो कम हो जाएगा यहाँ पे, नहीं पूरा पूरा नहीं जाएगा क्रोमोज, यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम का होता है ना। आमा इधर देखो, ये इधर देखो 46 क्रोमोसोम है, 23 इधर आएगा, 23 इधर आएगा, कौन खींचेगा तू कि हम, कौन खींचेगा इसको बराबर 23 इधर भेजा किसने, तू भेजे हो? हम भेजे नहीं, कौन भेजता है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं स्पिंडल फाइबर को खींचते हैं हम, इधर 23 इधर 23 इधर, और 23 बजाय इधर देखिए एक माइक्रोट्यूब्यूल इधर से एक को ढीला पड़ गया बेचारा, ये वाला इधर खींच लिया, इधर 24 आ गया, इधर 22 आया, तब क्या करबो, तो कहो काहे आया, तब माथा पटक के मरे हैं वहीं, अरे चला गया, चेंज हो गया, हो गया था ऐसा, समझे हो। हाँ नॉर्मल लोग में ही होता है गड़बड़ी, और के मैं नॉर्मल में ही है, नहीं बीमार हुआ नहीं, हम जैसे नॉर्मल है सपोज कर लीजिए, इधर देखो सपोज कर लीजिए हम नॉर्मल हैं, हमारे एक क्रोमोसोम गड़बड़ी आ गई, बोलिए तो आने वाली संतान में वो गड़बड़ी आएगी 45, समझ में आ गई बात, बस इतने बात समझो, ज़्यादा मत समझो। दूसरा है डाउन्स सिंड्रोम, बोलो ना जी, डाउन सिंड्रोम ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम सुनो भी, डाउन सिंड्रोम देखो इधर, इसमें भी 47 होता है, आज हमारा दिमाग पूरा खराब हो गया, अभी टाइम, डाउन सिंड्रोम ये भी 47 होगा, ये देखो सुनो जी, ये 47 ये भी होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 21st ऑटोसोम पेयर में चला जाएगा, पेयर्ड में चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, डाउन सिंड्रोम में क्या होगा 27 होगा, लेकिन ऑटोसोम 21वां ऑटोसोम चला जाएगा, ठीक है, इसका मतलब 24 में चला जाएगा, इधर देखो जो बताए थे 24 वाला चला गया, समझे हो, 47 आ गया, इसको मंगोलवाइड इडियासी कहते हैं, मंगोलवाइड इडियासी कहते हैं, मंगोलवाइड इडियासी, ये बात ना करो जी, मंगोलवाइड इडियासी, ये मेंटली रिटायर्ड होगा, सिम्टम क्या क्या होंगे बुक में आपके लिखा हुआ सब, मेंटल रिटार्डेशन, BMR आप बुक में जो दिया एग्जाम्पल बताइएगा, हम वही लिखेंगे बाकी नहीं लिखेंगे, क्या कहते हैं सिम्टम्स, मंगलवार इधर एक मेंटल रिटार्डेशन तो है, ब्रॉड फेस है, और जो सिम्टम कोई खेल बताइए, एक को बढ़ा कर बताइएगा,
ब्रॉड फोर हेड दिया है, फेस दिया है, हाँ ब्रॉड ठीक है, और क्या है सिम्टम, और सिम्टम क्या है, हाँ रिंकल टेन हो गया, रिंकल्ड टंग है, और क्या सिम्टम्स हैं इसके, मेंटल ट्रेडिशन हो चुका, और क्या होगा, तो हम ज़्यादा लिख देंगे तो समझो अपना, और कोई सिम्टम है, और कोई सिम्टम नहीं दिया है, जो बुक में एक को मैंने ज़्यादा नहीं देखे, पार्ट वेली होता है, पीजन चेस्ट होता है इसका, और इधर देखे लो फोरहेड होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, और वेवी फिंगर होता है, उंगलियां लहरदार वैसे ऐसे हो जाएगी टेढ़ी मेढ़ी, अब बाकी बुक में नहीं दिया हमें नहीं पता, लेकिन उंगली थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, पार्ट वेली हो जाएगा, इधर देखो ये पटवा जो है ना इस कटोर तक निकला रहेगा, मून फेस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और क्या पीजन चेस्ट हो जाएगा, स्टराइल तो होंगे ही, ये भी स्टराइल हो जाएंगे, समस्या तो है बुक में, लेकिन स्टाइल आपके लिखा नहीं होगा, जो नहीं लिखा है हम उसको रिको नहीं लिखेंगे, ना दिया तो बस ख़त्म करो बात। तीसरा देखो, जितना दिया होगा वही मैं लिखूँगा, टर्नर सिंड्रोम, सॉरी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इनमें क्या होता है गाइनिकोमैस्टिया, एक का इधर देखो इसमें क्या होगा 44 ऑटोसोम प्लस यक्स यक्स वाई, ये याद कर लो 47 होंगे, 47 वाले ये भी हैं, 47 वाले ये भी हैं, ये भी 47 वाले हैं, गाइनिकोमैस्टिया आ जाएगा, इसका मतलब ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगा, दो यक्ष के कारण ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, एक वाई के कारण इसमें क्या आ जाएगी बियर्ड एंड मुस्टैच, दाढ़ी मूछ भी आ जाएगी, छक्का हो जाएंगे, V1 सिक्सर क्या हो जाएंगे, V1 सिक्सर छक्का, वो छक्का हो गया, नहीं आप बहुत छक्का रह जाएंगे, वो तो छक्का ही है, हो गया देखो इधर क्या हुआ, गाइनकोमेस्टिया ब्रेस्ट इनलार्ज कर जाएगा, पुरुष होते हुए भी महिला के लक्षण आ जाएंगे, दाढ़ी मूछ भी जमेगा, दाढ़ी मूछ भी जमेगा, इसी को बोलते हैं गाइनकोमेस्टिया, यही सब परेशान करते हैं, तगड़े वाले होते हैं ना, एक वाई कर्ण इनके अंदर थोड़ा हार्मोन का ना, और स्टराइल ये भी होंगे, पैदा नहीं कर पाएंगे बेचारे, ये भी स्टराइल होंगे, स्टराइल लिखा नहीं रहता लेकिन हम बता दे रहे हैं, स्टराइल स्टराइल नहीं पैदा कर पाएंगे, या देखिए थपड़ी बजा के बाद आपके घरों में जाते हैं, तो कुल मिला के आप कुछ मत याद करिए, पहले पहली बात एक याद कर लीजिए T45, बाकी दो ठो जो आएगा कौन होगा है, बाकी दो आएगा क्या होगा जी, चुप रहो तेई से, तू चुप रहो, क्या होगा जी, बाकी तुमसे ना पूछ रहे, उनसे पूछ रहे हैं जो सोना चांदी पहन गए, बोलो जी, चमक रहा है, बोलो
क्या होगा T45, बाकी सब क्या होंगे 47 वाले। 47 वाले में कौन कौन, दो DK, डी और के। DK शर्मा वैसे मेरा नाम भी है, वहाँ पे DK भी रहेगा, याद कर हमारा नमो याद तब याद हो जाइए, हमारे नाम में बहुत दम है। DK, डी फॉर डाउन सिंड्रोम, के फॉर क्लाइनफिल्डर सिंड्रोम, दोनों 47 वाले। डी में ऑटोसोमल और क्लाइनफिल्डर में सेक्स क्रोमोसोमल। बोलिए ना, गायनकोमेस्टिया किसका लक्षण है, बोलो गायनकोमेस्टिया किसका लक्षण है, क्लाइनफिल्डर सिंड्रोम का। मंगोलवाडियासी किसका सिम्टम है, डाउन सिंड्रोम का। इससे आप पढ़ाने का मतलब आपको बेवकूफ बनाना, ये हो गया चैप्टर खत्म। क्वेश्चन आपको जो आ नहीं समझ आप पूछ लीजिएगा हमसे, खूब क्वेश्चन लेके आइएगा, हम खूब करवाएंगे। ठीक है, चलते हैं, बाय, फिर कल मिलेंगे।